नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, ये मैंने कुछ नया मंगाया है अपने पौधों के लिए, मैं ट्राई करना चाहता था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं ये दिखाऊं और पूरा तरीका दिखाऊं कि मैं कैसे इसे लगा रहा हूं, कैसे मिट्टी बना रहा हूं। तो दोस्तों, ये क्या है, परवल के रूट्स हैं जिन्हें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये आज मुझे मिला है। तो अब मैं इसे लगाऊंगा। इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने जितना मुझे पता चला है उस हिसाब से, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं लगा रहा हूँ, क्या क्या करना है, कैसे मिट्टी बनानी है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, ये देखिए आप, इस प्रकार कुछ रूट्स मुझे मिली हैं ऑनलाइन जो मैंने ऑर्डर किया था, जिनमें इनमें मेल और फीमेल दो अलग अलग प्रकार की रूट्स होती हैं। तो दोस्तों, ये रूट जो हमें मिली है, ये इस प्रकार कुछ कवर है, तो हम इसे हटा लेंगे। देखिए, इसे हमने खोल लिया है और मैं आपको दिखाऊं, काफ़ी हेल्दी रूट्स हैं जो हमें मिली हैं। तो इनमें दोस्तों ज़रूरी होता है कि आप अगर 10 रूट लगा रहे हैं तो 9 फीमेल और एक फीमेल कम से कम होना चाहिए, तभी इनकी ग्रोथ होती है, जर्मिनेशन होती है। दोस्तों, परवल तीन तरीके से लगाई जा सकती हैं, पहला सीड से, दूसरा परवल की कटिंग से और तीसरा ये रूट से। तो रूट से लगाना ज़्यादा इजी होता है, अदर सीड से, चूंकि सीड्स जल्दी जर्मिनेट नहीं होती परवल की हमारे यहाँ की कंडीशन में, इसलिए सीड से ना लगाएं। आप अगर लगाना चाहते हैं तो परवल के रूट्स ही मंगाएं और उन्हीं से ही परवल ग्रो करें। तो दोस्तों, ये कुछ रूट्स हैं, तो इनको लगाने से पहले दोस्तों, इनमें जो आपको करना है कि करीब 15 मिनट तक इन्हें आपको किसी भी फंगीसाइड पाउडर में उसका घोल बना के उसमें इन्हें सोक करना है, ताकि इसमें कोई भी फंगस जो हो वो ख़त्म हो जाए। इन्हें ज़मीन के अंदर लगानी है। और दोस्तों, इनको लगानी कैसे, ये जो आपको दिख रहा है ये टिप, ये ऊपर रहेगा ज़मीन से 1 इंच, ये करीब 1 इंच तक ज़मीन से ऊपर रहेगा जो आपकी मिट्टी है। सेम प्रकार से तो जो पतली वाली रूट्स हैं ये आपकी फीमेल हैं, और जो मोटी वाली रूट्स हैं वो मेल रूट हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट में, देखिए ये मेरा साफ फंगीसाइड है, आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, तो मैं 1 चम्मच साफ को ले लेता हूँ और इसे इसमें पानी का घोल बना लेता हूँ साफ के पाउडर का। देखिए, इसे अच्छे से मिला लेंगे पूरे पानी में पाउडर को, और जो रूट हमने मंगाई है इसे इसमें सोक करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। सभी रूट्स को इसमें अच्छे से हमें सोक कर लेना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सभी रूट्स आपकी अच्छे से इस फंगीसाइड पाउडर के घोल में पूरी तरह से सोख हो जाए, और आप इसको फिर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसी तरह से। तो दोस्तों, ये हमने डाल दिया है और इन्हें अच्छे से हमने सोख कर दिया है। अब मिलते हैं दोस्तों 15 मिनट बाद। आइए दोस्तों, 15 मिनट बाद हम देखते हैं कि हमारा जो रूट है ये अच्छे से इस फंगीसाइड पाउडर के घोल में सोख हो चुका है। अब ये हम इसे अपनी मिट्टी में लगाएंगे। तो आइए, अब आपको मैं ले चलता हूँ। अब हम इसमें से इस रूट को निकाल लेंगे, और इन रूट को निकालने के बाद जो हमारा ये बाकी बचा हुआ घोल है फंगीसाइड का, इसे हम अपने जो वाटर कैन है हमारा, इसमें डाल देंगे। अब इसका क्या काम है आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इसको अच्छे से इसमें हमने सारा डाल लिया है। अब आगे दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं कि जो इसके लिए मिट्टी मैंने तैयार की हुई है, इसको काफ़ी अच्छी भुरभुरी मिट्टी चाहिए जहाँ पानी रुके ना। तो जो मिट्टी आप तैयार करें उसमें 50% गार्डन सॉइल और 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% रेत और 10% राइस हस्क जरूर मिला लें। ये दोस्तों हमारी मिट्टी बनाने का तरीका है, और इसमें हम फंगीसाइड पाउडर जरूर यूज करेंगे। जब भी हम परवल लगाने के लिए मिट्टी बनाएंगे तो फंगीसाइड पाउडर जरूर यूज करेंगे। तो दोस्तों, परवल की जो रूट्स होती हैं
एक बार लगाने में ये करीब 15 से 20 दिन लेती है जर्मिनेट होने में, और 2 से 3 साल तक ये रूट बड़ी आराम से फल देती रहती हैं। तो इसे आप कम से कम 15 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, और 18 इंच के ग्रो बैग में लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊं कि इसे लगाना कैसे है। जैसे ये मेरी रूट्स हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रोइंग टिप है, इसकी ऊपर की जो टिप है ये ग्रोइंग टिप है, तो हमें इसमें गड्ढा करना है और इस टिप को नीचे की तरफ लगा देना है, और ऊपर से 1 इंच करीब हमें बाहर छोड़ देना है। सेम इसको भी हमें यही करना है, ग्रोइंग टिप को ऊपर रखना है और नीचे की हिस्से को नीचे करके इस प्रकार मिट्टी से ढक देना है। सेम प्रोसेस हम सभी के साथ करेंगे। और अगर मेरा ये 18x18 का ग्रो बैग है, तो मैं अपनी दो चार रूट दूसरे ग्रो बैग में 15x15 के में लगाऊंगा, बाकी सभी इसी में लगाऊंगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी फसल है परवल, और एक बार आप अगर लगा लेते हैं तो 2-3 साल तक के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चूँकि पहली बार ही लगा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता इसके बारे में, पर काफ़ी कुछ मैंने रिसर्च किया है, देखा है, उसके बाद मैं इसे मंगाया हूँ, और मैंने इसकी खेती होते हुए भी देखी हुई है, तो मैं थोड़ा पहले से जान रहा था इसके बारे में। इस प्रकार दोस्तों हमने सारे रूट्स मिट्टी के अंदर लगा दिए हैं। अब देखते हैं कि 10 से 15 दिन में इसमें जर्मिनेशन कैसी होती है, क्योंकि रूट्स सारे मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, ट्रस्टेड तो हैं, पर जर्मिनेशन इसकी 100% है या नहीं है, कितने परसेंट तक जर्मिनेट होती है, ये देखने की बात होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सारे रूट्स लगा लिए हैं। अब दोस्तों जो हमने फंगिसाइड वाला पानी बचा के रखा था, उस वाटर को हमने इसमें डाल देना है। आप देखिए पानी का कलर, वो इसलिए क्योंकि इन रूट जो रूट्स हम लगाते हैं इनमें फंगस बहुत जल्दी आता है, तो दोस्तों हमें इसमें फंगस से बचाने के लिए हमने ये वाटर इसमें सारा डाल दिया है, ताकि कोई भी रूट हमारा जो है वो फंगस से ख़राब ना हो। अब देखिए ये जो रूट्स हैं दोस्तों, यहाँ से इनमें बड्स निकलनी स्टार्ट होती हैं ये सभी में, तो इस प्रकार 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है बड्स आने में। अगर बहुत ज़्यादा धूप डायरेक्ट पड़ रही हो गमले में आपके, तो उसको आप किसी चीज़ से ऊपर से ढक सकते हैं। दोस्तों रूट्स इनको लगा देने के बाद रूट्स आपको जो ध्यान देने की चीज़ है, ये ड्राई नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए, तभी ये ग्रो करेंगी। और एक बार जब इनकी ब्रांचेस निकलने लगती हैं, तो आप इसको फिर किसी सहारे की मदद से आप करीब 2 से 2.5 फुट ऊपर इसको चढ़ा के और ऊपर फैला दीजिए। ये आपको 2 से 3 साल तक आराम से सब्जियां आपको परवल तोड़ने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।